दोस्तों नमस्कार। उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति ने कई रागों का स्वीकार दाक्षिणात्य संगीत पद्धति से किया है। उन्हीं में से एक राग है राग किरवाणी। आइए इसी राग की जानकारी ले लेते हैं। मार्गदर्शन करेंगे श्रीमान रघुनंदन पणशीकर। श्रीमान, इस महफिल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की चर्चा के लिए जो राग हमने चुना है वो है राग किरवाणी। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को इसके आरोह और अवरोह समझा दीजिएगा। जरूर। सा रे ग म प ध नी सा इस राग का जो चलन होता है वो किस तरीके से होता है? इस राग के वादी और संवादी स्वर कौन से हैं? इस राग का वादी स्वर ऋखभ है और संवादी स्वर पंचम है। अच्छा, और इस राग का गायन समय शास्त्रकारों ने जो निश्चित किया है कौन सा है? ये राग रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। अच्छा, इतने सारे वैशिष्ट्य इस राग के आपने हमें समझाए हैं, इन्हें थोड़ा और विशद करते हैं हमारे श्रोताओं के लिए। जी। क्या सुनाना पसंद करेंगे? पंडित रामाश्रय झा, इनकी एक रचना है, सुध लीजिए मोरी, ये ताल रूपक में निबद्ध है। जी। मैं सुनाता हूँ।
Ah!
रघुनंदन जी, एक सवाल अभी इस वक्त दिमाग में आ रहा है कि रागों में हमारे हिंदुस्तानी में रस कल्पना या भाव कल्पना है। हम लोग समझते हैं कि किसी एक राग में कुछ एक एक या दो उपज होती है रसों की या भावों की। हालांकि कर्नाटिक संगीत में ये कोई ऐसे डायमेंशन ही नहीं है। तो क्या ये इस वजह से है कि कर्नाटिक संगीत में समय कल्पना नहीं है और हमारे यहाँ है? तो मतलब हम जब किसी राग का हमारे इसमें स्वीकार करते हैं, उसमें एक समय की जब पाबंदी धीरे धीरे आ जाती है, हमारे गायक लोग जो नायक लोग जो उसको प्रयोग करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये शायद तय होता होगा कि नहीं, ये राग इस समय में ज़्यादा बेहतर होता लगता है और फिर इस समय गाते हुए इसमें ये रसाविष्कार ज़्यादा मिलता है। तो ये हालांकि काफ़ी नया राग है, 25-30-40 साल पहले वाला, तो इसमें अब आप क्या कहेंगे कि मुख्य रस कौन सा इसमें से निकलता है, निष्पत्ति होती है? देखिए, इस ये राग ज़्यादातर चंचल प्रकृति का है, यानी कि बहुत गंभीर ऐसे भाव इसमें नहीं पाए जाते हैं, और चंचल प्रकृति का होने के कारण श्रृंगार और भक्ति रस प्रधान, ये दोनों ही रस इसमें पाए जाते हैं। इसमें अभी आपकी जो बंदिश आपने जो बताई थी, उसका जो मुखड़ा था, उसे हम सभी को एक गज़ल की याद आ रही है। गज़ल का मुखड़ा भी वही है, ए हुस्न बेपरवा तुझे, तो आप सुनेंगे? जरूर। ए हुस्न बेपरवा तुझे, शबनम कहूँ शोला कहूँ, फूलों में भी शोखी तो है, फूलों में भी शोखी तो है, किसको मगर तुझसा कहूँ, है हुस्न बेपरवा। इसी से और दूसरी गजल याद आ रही, अहमद फराज साहब की, जो मेहदी हसन साहब ने गाई थी। शोला था जल बुझाऊं, हवाएं मुझे न दो, शोला था जल बुझाऊं, हवाएं मुझे न दो, मैं कब का जा चुका सदाए न दो, शोला था जल बुझाऊं। एक फिल्म सॉन्ग भी इस वक्त दिमाग में आ रहा है, आपको याद होगा शायद, दिल एक मंदिर फिल्म का गाना था, याद न जाए बीते दिनों की, इसमें कुछ कुछ इसकी छवि, इसकी छटा मुझे नजर आ रही है। याद न जाए बीते दिनों की, जाके नाए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। ये सभी गीत तो हमारे श्रोताओं को हमें मालूम थे, इन्हें हम गुनगुनाते भी थे, पर इन गीतों की ओर देखने का जो एक अलग नजरिया राग संगीत के आधार पर आपने हमें जो दिया है, इसी के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। समापन की घड़ी तक आप पहुंचे हैं, तो इसी को नजर रखते हुए, सामने रखते हुए, आप क्या सुनाना पसंद करेंगे? मैं फिर से पंडित रामाश्रय झा जी की बंदिश जो है, मुकुट वारो सावरो, ये राग ताल एक ताल में है, मैं सुनाता हूँ। मुकुट वारो, मुकुट वारो सावरो,
भावे न तोरा Ah!